किया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बहुत स्वागत है नए ब्लॉग में पार्ट थ्री में। और आज हम जा रहे हैं ना के आसपास जगह घूमने, मार्केट, और अभी दिखाएंगे आपको आगे जाके हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे आज, ठीक है। और इस टाइम हो रहा है सुबह के 11, हम लेट हो गए आज तैयार होने में, सब तैयार हो गए थे, मैं रह गई थी तैयार होने के लिए, मैंने सबको लेट कर दिया आज। मैग्नेटिक हिल पर, और पहले हमने सोचा था हॉल ऑफ फेम जाएंगे, लेकिन आज मंडे है तो इसलिए वो बंद है, तो इसलिए अब हम आगे आ गए मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, पीछे देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग हैं। आयरा बोल रही थी कि मेरे को एटीवी चलानी है, तो पापा गए उधर टिकट लेने एटीवी की। अभी मैंने जैसे बताया था कि पापा टिकट लेने गए, तो ये रही टिकट। और अभी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि पहले ही यहाँ पे 14 लोगों का पहले से ही वेटिंग है हमसे पहले, तो इसलिए अभी टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर हम भी चलाएंगे एटीवी, बस आएगा। बॉक्स मार्क हुआ है, और यहाँ पे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी फेल हो जाता है कि कार खुद चलती है चढ़ाई की तरफ। यहाँ पे भी मैं एक स्टिकर लगा के जाऊंगी, कहती मैं ही लगाऊंगी, आपने लगाओगे, कहाँ लगाएगी, जगह ढूंढ। अरे इधर ही लगा दे, आ जा इधर जगह, अच्छा दूसरी तरफ लगा दे। खुश आयरा, लगा दिया। गए हैं संगम पर, मैग्नेटिक हिल हो आए हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं पूरी ऐसे मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे जो भी यहाँ का फेमस मतलब स्टोन्स होते हैं तो उसकी मालाएं हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे पीछे कैफ़े है, संगम कैफ़े, यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो, यहाँ पे राफ्टिंग भी होती है, तो यहाँ पीछे टिकट काउंटर है। यहाँ पर संगम होता है दो रिवर्स का, यहाँ पे है जास्कर और इंदस रिवर। तो लग रही थी बहुत भूख, तो हमने यहाँ पे कैफे में ली मैगी, और सारे खा रहे मैगी।
संगम भी हो आए हैं हम और मैग्नेटिक हिल भी हो आए हैं। अब हम आए हैं यहाँ पर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहब, यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है। जब भी आप आओ तो यहाँ ज़रूर होकर जाना। माहौल बहुत शांत और बहुत सुकून वाला है और ये गुरुद्वारा आर्मी के द्वारा मेंटेन किया हुआ है, बहुत अच्छा है। अंदर लंगर भी चलता है, वो भी आर्मी की तरफ से ही उन्होंने ही चलाया हुआ है। यहाँ पे लंगर की सेवा भी और बाहर चाय भी है। स्कूल, यहाँ पर थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। अंदर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इडियोटिक वॉल बनी हुई है, ऑल इज वेल वो सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत विजिट करते हैं कि स्पेशल यहाँ पे आके फोटो खिंचवा कर जाते हैं। आओ चलो अंदर चलते हैं। पे ऐसे एक कैफे भी बना हुआ है, रेंचोस कैफे। उधर वो ड्रम भी रखे हुए हैं, ऑल इज वेल वाले, वो स्कूटर, वो सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। आयरा कहाँ जा रही हो तो बता दो। शे पैलेस। नीचे ही थक गए। क्या हुआ आप लोगों को? हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग थक गए हो। मैं तो थके नहीं, मैं तो खड़ा हूं। तो हम भी खड़े हैं, हम भी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं, बस पहुंचने वाले। आगे सीढ़ियां भी है, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद सीढ़ियां भी। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, उसकी भी वीडियो बना लेते हैं। है सीढ़िया, चलो चलते हैं। यहाँ पे देखो कैसा सा पहाड़ है बीच में। गिनते हुए चलते हैं सीढ़िया, टाइम निकल जाएगा। सेवेंटी टू, सेवेंटी थ्री, सेवेंटी फोर, 75, 76, 77, 78 स्टेयर्स है, उसके बाद अभी और भी है। व्यू ले लेते। थक गए, बैठ गए, अभी और ऊपर चलना है, अभी है ऊपर से ऐसा।
78 करी है कवर, अभी और भी ऊपर सांस ज्यादा चढ़ रही है वो भी माउंटेन सिकनेस करके। कोई नहीं ठीक है, आप एनर्जी तो ले ली है इतनी। हाँ एनर्जी तो ले लिया, बट उनका भी तो वेट करना है जो नीचे है। अभी बाकी पक्का आ गए, आयरा थक गई, कोई सांस नहीं चढ़ी कुछ नहीं, ठीक है आयरा फुल एनर्जी है। हाँ जी थकी तो नहीं? नहीं तो और ऊपर देखते हैं, बाकी सारे थक गए हैं तो हमने उनको कहा नीचे ही रुक जाते, हम चलते ऊपर। घुमाओ आयरा, अरे काउंट करनी रहेगी स्टेयर्स। पीछे का व्यू देखो कितनी ग्रीनरी है एक तरफ और एक तरफ पूरे पहाड़ सूखे हुए, और हमारी सांस चढ़ गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते। ऊपर कह रहे थे थक गए हम सारे, फिर भी आ गए सारे ऊपर, बोला भी नहीं जा रहा इतनी सांस चढ़ गई। अभी तो मॉनेस्ट्री का रास्ता और इधर है, ब्लॉगर सच में ब्लॉगर है। आपका नाम? मेरा नाम गोप्रो। आपका नाम? मेरा साहिल, मैं तो पूछे नहीं हूँ। अब पूछे ही आपने बताया नहीं इसलिए नहीं पूछा। अब इधर है ऊपर है, ऊपर मेन टेंपल अंदर। यहाँ पे एंट्री फीस भी थी 30 रुपीज़ थी, और क्या कहते हैं ये 6 बजे तक खुली होती है, और टाइम क्या हुआ अभी 6 बजे वाले हैं, तो फिर बस निकलते हैं अभी आगे वापस चलते हैं नीचे। घूम ली हमने मॉनेस्ट्री, ऊपर आते हुए हम थक गए थे लेकिन अब नीचे जाते हुए तो थकेंगे नहीं। रास्ता सेम ही आ रहा था वो जो हम सोच रहे थे कि अलग अलग है, उधर से जाके इधर से वापस आने का था, इधर से उधर जाते हैं है तो सेम ही रास्ता है। अंधेरे से चले या रोशनी से? रोशनी से चलते हैं हम, बाकी सारे उधर अंधेरे से गए। मम्मी पापा आयरा नीचे पहुंच गए हैं, पीछे का व्यू सब
सनसेट कितना अच्छा लगता है। उतरते रहो, स्टेयर्स तो हमने आधी काउंट करी थी, होएगी ये 150 अराउंड तो होएगी ज़रूर, बाकी पता नहीं। 78 तक तो मैंने काउंट करी थी, उससे आगे तो मैंने करी नहीं। अरे वाओ कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, शेड कितनी अच्छी आ रही है सन की। सेम ही रास्ता था ये वाला, हम ढूंढ रहे थे ना कि ये रास्ता कहाँ से आए इधर ऊपर। सारे एक साथ यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए चल रहे हैं, पीछे भी मेरे नीचे उतर रहे हैं और वीडियो बनाते बनाते। आपने अपना चैनल तो बताया ही नहीं। मेरा चैनल है रियल किंग, यूट्यूब पे हैशटैग रियल किंग सर्च करोगे पहली वीडियो में। पहले तो रियल किंग म्यूजिक था, नाम चेंज कर दिया। कर लिया सब म्यूजिक की स्पेलिंग मैंने MUZIC लिखी थी और MUZIC से बहुत चैनल है तो इसलिए वो कंफ्यूजन होती थी, तो इसलिए मैंने म्यूजिक यहाँ हटा दिया और सिर्फ ओनली रियल किंग रहने दिया और म्यूजिक हटा दिया। हाँ, पहले म्यूजिक की वीडियोस थी उसमें, इसलिए वो म्यूजिक था। पहले म्यूजिक की वीडियो थी और थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दी। लेक के पास बिल्कुल वहाँ पे, उसमें ना फिशेज भी है और वहाँ पे वो कार खड़ी रही, जूम करके दिखाती हूँ, वो दिख रही हमारी कार। ये रे मम्मी पापा आ रहा, कैसा लगा आपको ऊपर चढ़ के? कौन? मैं तो थकती नहीं हूँ, मैं तो आप ही कहते हो थक गए। अरे नहीं नहीं थक जाती हूँ मैं थक जाती हूँ थक जाती हूँ। चलते रहो, अब नीचे उतरते हुए तो ज़्यादा पता नहीं लग रहा, तब ज़्यादा पता लग रहा था जब ऊपर चढ़ रहे थे क्योंकि चढ़ाई थी, अब तो उतराई है तो इसलिए कुछ ज़्यादा पता नहीं लग रहा, तो इसलिए अब आराम से जा सकते हैं नीचे। और यहाँ से हमारा होटल शायद है। वाओ कितनी अच्छी आई सनसेट की, कितनी अच्छी मेरी गॉगल्स में शेड पड़ रही है। सारे पीछे आते हुए, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया इतनी देर व्लॉगिंग करते करते। अब सोच रही हूँ चलो बंद कर देते हैं थोड़ा सा कैमरा, लेकिन नहीं फिर मज़ा नहीं आता ना पूरी वीडियो का, तो लेकिन इसलिए हम कैमरा बंद भी नहीं करते। तो अभी सोच रहे हैं इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, शायद मार्केट घूम कर आए या नहीं तो देखते हैं होटल पे चलते हैं। तो रहते आपसे बातें करते हुए हम बस नीचे पहुँचने वाले हैं, बाकी तो वो साहिल भैया और दीशु तो पहुँच ही गए नीचे, वो भी बात करते करते पहुँच गए नीचे, और अभी मम्मी पापा और बाकी सारे पीछे आ रहे हैं। चलते रहो। उई मिट्टी 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 हो गई, घुमाते घुमाते चलते हैं, बस पहुंच ही गए नीचे। फाइनली पहुंच गए हैं हम नीचे और बस अब कार के पास पहुंचने वाले हैं। चलते रहते हैं आगे, आगे पीछे देखना ज़रूरी है, कोई कार तो नहीं आ रही है, बस चलते रहो पहुंचने ही वाले हैं, बस दो मिनट और। वहाँ भी मैंने वहाँ से ऊपर से दिखाई थी कि हमारी कार दिख रही है नीचे, और बस अब पहुँचे हैं कार के पास। और मैंने बताया था यहाँ पे फिशेस भी है तो ये भी दिखा देते हैं। इसके अंदर यहाँ पर फिश है, फिश दिख नहीं रही है, वो थोड़े रिम्पल्स जो पड़ रहे हैं ना पानी में, तो वहाँ पे फिशेज़ है। असली में देखने में दिख रही है पर इसमें नहीं दिख रही है, यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी, हल्की सी दिख रही होगी, पता नहीं वीडियो में आ नहीं रही क्लियर। वहाँ पे सामने एक कैफ़े भी बना हुआ है। जल्दी हम नीचे ऐसे ब्लॉगिंग करते हुए आ गए, बातें करते हुए पता ही नहीं लगा ब्लॉगर सकते हैं सही में, अब नहीं थके हम, लेकिन हाथ में दर्द होने लग गया, हाथ में फोन पकड़े पकड़े ऐसे, बाकी तो सही है। अब बाकी आ रहे हैं पीछे हल्के हल्के, स्लो स्लो चले हुए हम, ज्यादा तेज आगे करते हमें पता ही लगा कब पे नीचे पहुँच गए। आयरा भी आ गई है, पहुँच गई है यहाँ पे नीचे और थक चुकी है। आयरा थके? आयरा थक गई? इधर तो बता दे उधर कहाँ जा रही है। आयरा गई, आयरा गई फिशेस को देखने। पेट्रोल डलवा लेते हैं और यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा है, ये डल रहा है पेट्रोल। हो गए
6:48 और हम पहुंच गए हैं अपने होटल, अपने डॉर्जे गेस्ट हाउस। यहाँ चलो चलो चलते हैं ऊपर रूम पर। आयरा रूम नंबर तो बता क्या है हमारा? नौ भी और छह भी। अगर इधर आप पढ़ सकते हो छह रूम नंबर, अगर ऐसे पलटाओगे नौ लग रहे हैं। पर चलो व्यू देख कर आते हैं कैसा है। आ गए हैं और यहाँ का व्यू पीछे है बर्फ नजारा कुछ खूबसूरत। ये होता है यहाँ पे देखो, वीडियो अपलोड करने के लिए कितनी करनी पड़ती है ना। देखो चार्जिंग पे लगा के यहाँ पे वीडियो अपलोड करी जा रही है, बहुत मेहनत है इसमें। करें नेट चले, मेरा नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा। अरे देखो हम कह रहे थे इतना अच्छा नेट चल रहा, नेट ही बंद हो गया। फाइनली हम पहुंच गए लेगी मार्केट, हम पैदल आए थे तो ये पीछे नजारा देखो, ये है लेगी मार्केट और वहाँ पे लिखा है आई लव ले। वहाँ पे बहुत रश हो रहा है, अभी जाते हैं वहाँ फोटो खींचने। देखा नहीं था तो इसलिए शायद हमने वो देखा नहीं, आई लव ले लिखा हुआ था। और हम पूरी मार्केट तब घूमे भी नहीं थे क्योंकि बंद ही था तब तो ज़्यादातर, क्योंकि तब लॉकडाउन था और अब तो सब कुछ ही खुल गया ऑलमोस्ट। हाँ हम इस साइड को नहीं आए थे, हम उस साइड को थे। वाओ यहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद लेह लद्दाख की, कितनी अच्छी मस्जिद बनी हुई है। इस वाली मार्केट में आए थे हम, लेकिन हम पूरा यहाँ तक नहीं आए थे तब पिछली बार। एक बार टच करना पड़ेगा मुझे पहले। मन को शांत करो। कितने का है? 400 लास्ट है भैया। उससे लास्ट लद्दाख के आगे फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन हमने खिंचवा ली है और अब चलते हैं वापस। और टाइम क्या हो रहा है? 10 बजने वाले हैं, 9:52 हो रहे हैं। यहाँ का पोस्ट ऑफिस है और इसी के साथ वो वॉल बनी हुई है आई लव लद्दाख। आ गया है, ये है कढ़ाई पनीर और ये है दाल मखनी और ये है रायता। आना तो पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट पे आना। गाइस हमने अपने रूम पे भी आने और हमने डिनर भाई कर लिया था, उसके साथ लोग को एंड भी करते हैं। सब्सक्राइब लाइक कमेंट बाय लाइकन, इसके साथ प्रेस करना, प्रेस करके ढक्कन बंद।